दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरी सेरिया वाली माता बैठी हुई हैं और आज दशमी है, आज दशहरा का दिन है। माता चली जाएंगी, बहुत ही दुख हो रहा है। इतने दिनों तक माता को बैठा कर रखे थे, घर में सेवा सत्कार किए, डेली पूजा पाठ किया करते थे और माता एक दिन आई और आज चली जाएंगी, तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, रिद्धि भी रो रही थी आज बहुत ज़्यादा, है ना बेटा। मैंने रिद्धि को कहा, बेटा रो मत, चुप हो जाओ, अगले साल माता फिर से वापस आएंगी। तो कोई बात नहीं, माता फिर से अगले साल आएंगी, ठीक इसी प्रकार हम सेवा सत्कार करेंगे, माँ को प्यार दुलार करेंगे। माता हमारे बच्चों को बस सही सलामत रखे, घर में सुख शांति बने रहे, मेरे दोनों बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। बच्चे का तबीयत अच्छा रहता है, बच्चे खुश रहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है देखकर। माँ शेरा वाली ने हर पल मेरा सहयोग किया है, मेरा सहारा किया है, मेरे दोनों बच्चों का रक्षा किया है। माँ बहुत ही ज़्यादा सहारा करती है मेरा, तो माँ के प्रति विश्वास, श्रद्धा और मतलब इतना माँ के प्रति विश्वास है ना कि मतलब जी मांगे माता सब कुछ दे देती हैं। बस एक बार कहने की ज़रूरत होती है या फिर कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना ही कहो, फिर भी माता सब कुछ सुन लेती हैं। तो बस माँ जाते जाते माँ से बस यही कहना है कि हे माता, मेरे दोनों बेटियों की हमेशा रक्षा करना। पीहू का तबीयत को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत जब उसका जन्म हुआ था तो उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तब से लेके आज तक दवाई पे चलती है मेरी बेटी। बहुत ही महंगा इलाज हम लोग ने उसका कराया, तब जाके उसका जान बचा। तो माता रानी से बस यही कहना है कि मेरी दोनों बेटियाँ हमेशा खुश रहें, उनका तबीयत हमेशा सही सलामत रहे, किसी भी प्रकार का दुख ना आए, मेरे पति देव भी हमेशा खुश रहें, मेरे घर परिवार जितने भी सदस्य हैं सभी लोग सुखी से रहें, किसी भी प्रकार की दुख विपदा किसी के ऊपर ना आए। माता रानी सभी की भला करे, सभी की रक्षा करे। बस माता रानी से जाते जाते यही निवेदन और यही प्रार्थना है। दीदी बेटे क्या हुआ, बेटा क्यों रो रही है? माता जी चली जाएंगी। अच्छा रो मत बेटे, माता जी फिर अगले साल आएंगे, रो मत। तो देख सकते हैं पीहू जा रही है, पीहू अपने दीदी को चुप कराने के लिए जा रही है। रिद्धि चुप हो जा बेटे, मत रो, माता जी फिर अगले साल आएंगे बेटा, चुप हो जा। हाँ बेटा सच में अगले साल माता जी आएंगी बेटा, नहीं रोते हैं, चुप हो जा, आंसू पोंछ लो बेटा। और वो देख सकते हैं पीहू क्या कर रही है। पीहू मिट्टी मत खा बेटा, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रही है तू, क्या कर रही है बेटा पीहू? मिट्टी खा रही है तू, बदमाशी करेगी पीहू? देखो देख सकते हैं किस तरीके से रेता निकाल के पीहू किस तरीके से खा रही है, देख सकते हैं पीहू किस तरीके से मिट्टी खा रही है। रिद्धि इसको मारो, देखो मिट्टी खा रही है, धीरे से धीरे से, वो मिट्टी नहीं खाते गंदी बात। पीहू मिट्टी निकाल मुंह में से, थूक थूक नीचे। तो देख सकते हैं किस तरीके से थूक रही है पीहू। बेटा मिट्टी नहीं खाना, ठीक है? नहीं खाएगा ना मिट्टी, नहीं खाएगा ना? बोलो नहीं खाऊंगी, बोलो मिट्टी नहीं खाऊंगी। मुंह हिलाओ, मुंह हिलाओ, नहीं खाना ना। देख सकते मुंडी किस तरीके से हिला रही है, बोलती मिट्टी नहीं खाऊंगी, मिट्टी नहीं खाना बेटा पीहू। तो दोस्तों देख सकते हैं जो माता की चौकी हमने बिठाई है और जो कलश की स्थापना की है, तो आज दशमी का दिन है, तो दशमी के दिन यानी कि आज दशहरा का दिन है, तो इस दशहरा के दिन शुभ पावन अवसर पर माता जी की विदाई किया जाएगा और आज दशमी भी है। तो दोस्तों हम सवेरे जाने वाले थे अपने पति जी के साथ, मतलब अपने पति देव के साथ माता जी को विसर्जित करने के लिए, तो दोस्तों किसी कारण से हम लोग नहीं जा पाए। तो आप हमारी YouTube फैमिली हो तो आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग नहीं जा पाए, मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, रिद्धि को स्कूल जाना था और पीहू भी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तो सवेरे हम लोग नहीं जा पाए। तो हमारी सोसाइटी में बड़ी देवी जी को बिठाया गया था, बड़ी 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 मूर्तियों
को बिठाया गया था, तो उनका भी आज ही के दिन विसर्जन है। सभी देवियों का एक ही दिन विसर्जन होता है, तो दोस्तों वहीं पर हम लोग भी अपनी देवी जी को बिठा देंगे। तो देख सकते हैं रिद्धि लेकर जा रही है मेरी बिटिया रानी की, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, रो भी रही है कि माता रानी जा रही है। तब ये वहाँ पर लेकर जाएगी और वहाँ पर मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ देख सकते हैं मेरी प्यारी सी माता जी भी बैठ गई हैं। देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए माता जी कितनी प्यारी लग रही हैं। तो सभी देवी देवताओं को नमस्कार।